बोलोगे कि हम अगर सेलवन चटनी बनाते हैं, अगर सेलवन चटनी को भी खाते तो कितना खाने में मजा आता है आपको सब लोग अच्छे से पता है, लेकिन बनाने का प्रोसेस क्या क्या होता है, उसमें कितना सारा इंग्रेडिएंट्स जाता है, कितना सारा उसमें अपना गार्लिक कितना जाता है, जिंजर कितना जाता है, सैलरी कितना जाता है, बनाने को सेलवन सॉस तो सब लोग बनाते हैं पर क्या प्रॉपर बना पाते हैं? आप लोग को मालूम ही रहेगा कि सेलवन को अगर हम लोग 15 से 20 दिन भी अगर रखेंगे उसमें बगैर पानी टच हुए, मतलब अगर मान के चलो कि अगर हम लोग सेजवान अगर किसी चम्मच से निकाल रहे हैं अगर उसमें पानी लगा रहेगा तो सेजवान आपका 2 से 4 दिन में खराब हो जाएगा। अगर वही चम्मच उसमें सेजवान में डाल के रखो 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने रखो तो आपका सेजवान चटनी कभी भी खराब नहीं होगा। और सेजवान चटनी खराब इसलिए नहीं होता है क्योंकि बनाने का उसका प्रेशर जो प्रोसेस है ना सबसे बेहतरीन है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक्चुअली सेजवान मतलब किस तरीके से बनाते हैं। सेजवान मैं आप लोग हर टाइम पर यही बोलता हूँ कि देखो हर किसी का रेसिपी अपना अपना होता है। मैं उनका अगर रेसिपी सुना के अगर मैं अपना सेजवान सॉस रेडी करूँगा तो सेजवान सॉस अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उनका खुद का रेसिपी है भाई, वो कैसे बनाए हैं, वीडियो में कैसे दिखाए हैं, नहीं दिखाए मेरे को थोड़ी मालूम है, आधा आधा काट के दिखाए रहेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग सेजवान सॉस जो बनाने का प्रोसेस है प्रॉपर सीखो और कैसे बनाते हैं। आप लोग यहाँ पे आ जाओ यार, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सेजवान सॉस बनाने का प्रोसेस क्या है। तो जल्दी से आ जाओ, हम लोग तेल डालते हैं, उसके बाद तेल हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जो हमारा गैस है स्टार्ट करते हैं, अब इसको हम डालेंगे तेल है और इसको ना अच्छे से गरम करेंगे। गरम करने के बाद में हम लोग इसमें डालेंगे स्टार फूल। आपको स्टार फूल नहीं मालूम रहेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टार फूल कौन सा है। ओके, ये देखो हमारा स्टार फूल, इसको ही बोलते हैं, जो कि स्टार फूल दुकान पे आपको इजीली मिल जाएगा। आप लोग इसके बगैर आप सेजवान सॉस बनाओगे ना तो आपको फीका फीका सेजवान सॉस लगेगा। तो मेरा सलाह है कि आप लोग इसको यूज करो, ठीक है? अब इसमें डालेंगे हम लोग गार्लिक डालेंगे, जो कि हम लोग उसको बोलते हैं लहसुन। तो देखो मैं आप लोगों को लाइव बता रहा हूँ कि सेजवान सॉस कैसे बनते हैं, बाकी मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा गार्लिक रहा, गार्लिक को पूरा मैं इसमें डाल लेता हूँ, जो कि पहले से मैं चॉप करके रखा था, ठीक है? ये गार्लिक है मेरा, गार्लिक को एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन करने है। अब ये सारा मैं गार्लिक डालूंगा, ये नहीं कि थोड़ा मैं गार्लिक डाल के छोड़ दूंगा। तो मैं गार्लिक और इसमें ऐड कर रहा हूँ। ओके, ये मेरा रहा गार्लिक। मैं बार बार मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सब लोगों का अलग अलग अपना रेसिपी रहता है, पर मेरा रेसिपी अलग है। तो आप लोग अगर घर में ट्राई करो या से कम आपको ना 15 से 20 दिन तक सेजवान सॉस चलने वाला है। ये नहीं कि आज बनाया कल खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये मैं गार्लिक और इसमें ऐड करता हूँ, ठीक है? और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे, ठीक है? मैं पहली बार भी एक सेजवान सॉस का रेसिपी आप लोगों को दिया था, पर बीच में मेरे को लगता है थोड़ा सा आप लोगों को गड़बड़ महसूस हुआ रहेगा, इसलिए मैं दोबारा बना रहा हूँ सेजवान सॉस कि आप लोग प्रॉपर देखो, ठीक है? और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन हम लोग करते हैं, ये गैस पूरा फास्ट करते हैं, ठीक है? और इसको अच्छे से बार बार इसको चलाते रहना है। आपको डब्बू हो चाहे पलटा हो या जो भी आपके पास चलाने वाला चीज़ रहेगा इसको बार बार चलाना है। तो ये लहसुन आपको अच्छे से पता है गर्म चीज़ है, नीचे एक बार अगर पकड़ लेना तो काला और पीला हो जाता है, मतलब जल जाता है। इसको अच्छे से आपको चलाना है, ठीक है? चलो हमारा गार्लिक एक्चुअली ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे जो हमारा जिंजर चॉप है, ये देखो इसको बोलते हैं जिंजर, बोले तो अदरक। अब इसको डालेंगे, आपको लगता रहेगा कि ये गार्लिक फटक से कैसे हो गए, कम से कम इसको हम लोग रोस्ट करने में 15 से 20 मिनट लगा ब्राउन करने में, ठीक है? तो आप लोग भी अच्छे से ब्राउन कर रहे हैं, ये नहीं कि आपने गार्लिक डाला और साथ साथ में ही जिंजर डाल दिया तो सेजवान वैसा नहीं बनता है। सेजवान बनाने के भी आपको बोला ना प्रक्रिया अलग अलग होता है, रेसिपी अलग अलग होता है। आप लोगों को मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि हर किसी का रेसिपी अलग होता है। कोई कोई एक साथ में डालता है सेलरी, जिंजर, गार्लिक और चिल्ली, जो हमारा चॉपेट चिल्ली होता है चाहे ग्रेट चिल्ली होता है, जैसे ग्रीन चिल्ली बोलते हैं उसको, वो साथ में डालते हैं। पर हमारा रेसिपी वैसा नहीं होता है, पहले हम लोग गार्लिक को अच्छे से पकाएंगे, मतलब गोल्डन ब्राउन करेंगे, उसके बाद में जो हमारा जिंजर है, जो चॉपेट जिंजर है, उसको भी कम से कम 5 से 6-10 मिनट तक आराम से उसको रोस्ट करेंगे, तो उसका पानी है अच्छे से निचोड़ जाए, मतलब निकल जाए और वो अच्छे से मतलब रोस्ट हो जाए। उसके बाद में हम डालते हैं चिल्ली। चिल्ली इसलिए डालते हैं क्योंकि चिल्ली में भी आपको मालूम है कि स्मेल रहता है हरापन का और उसमें भी पानी रहता है, तो उसको भी कम से कम 5 से मतलब आपको फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि सेजवान बनाने में कम से कम आधा से पौना घंटा जाएगा अगर आपको 1 महीने तक सेजवान चलाना है तो, और नहीं तो आपको 2-3 दिन के लिए सेजवान करना है तो एक साथ में डाल के बना सकते हो। लेकिन वो जो प्रोफेशनल एक सेजवान होता है ना, जो होटल स्टाइल जो हमारा प्रोफेशनल सेजवान होता है, वो आपके बना नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो को बार बार स्किप मत करो, आप लोग प्रॉपर देखो कि एक्चुअली सेजवान बनता कैसा है। तो मैंने आपको गोल्डन ब्राउन करके दिखाया ना लहसुन को, जो हमारा गार्लिक था उसको गोल्डन ब्राउन करने का, उसके बाद में जिंजर जो है उसको डालने का, तो कम से कम 5 से 6 या 10 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करने का, फिर उसके बाद में डालने का अपने वो क्या चिल्ली, जो कि हमारे पास चिल्ली आपको दिखाता हूँ। चिल्ली हमारा कौन सा है, ये देखो ये हमारा चिल्ली है, ये चिल्ली है, इसको हम लोग कटिंग किया, अगर चाहो तो आप मिक्सर में भी डाल के उसको ग्रेट कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है क्या। तो एक्चुअली हमारा मिर्ची साइज हमारा हो चुका है, अब इसमें हम डालते हैं सॉल्ट, सैलरी। मैंने आपको क्या बोला सैलरी का मतलब, ये मत सोचना कि आपको कंपनी में या होटल में आपको सैलरी मिल रहा है, ये हमारा सैलरी है जिसको हब्स बोलते हैं।
या हमारा सैलरी जो कि पहले से इसको अच्छे से चॉप कटिंग करके रखा है पूरा ऐड कर देंगे, और उसके बाद में इसको भी कम से कम 2 से 5 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करने का। इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करोगे तो फिर भी चलेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको अच्छे से रोस्ट करो, क्योंकि ये हर्ब्स है, आपको ये फ्लेवर देते हैं। जैसा हमारा धनिया हो गया, मिंट हो गया, ओरेगानो हो गया, पार्सली हो गया, रोजमेरी हो गया, थाइम हो गया, वैसे ही हमारे चाइनीज़ के लिए सबसे अहम रोल निभाता है हमारा सैलरी। बगैर सैलरी के बगैर, सैलरी हर्ब्स के बगैर कुछ भी काम नहीं होता है चाइनीज़ का। इसलिए मैंने आपको सैलरी बताया कि सैलरी का मतलब आप पैसा मत समझना, ये हमारा सेजवान बनाने के लिए प्रोसेस में मतलब इंग्रेडिएंट्स में आता है, इसको बोलते हैं हम लोग होटल भाषा में हर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अच्छे से मेल्ट करने का, मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में कि मैं आपको लाइव सेजवान सॉस बना के दिखाऊंगा, तो ये मत सोचना कि मैं अपना वीडियो बना के आपको एडिटिंग करके दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सीखने का अगर चाहत रहेगा तो आप घर पर भी बैठ के आराम से सीख सकते हो, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा बार बार कमेंट आता था कि सेजवान मेरे को प्रॉपर सीखने का, तो मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ सेजवान कैसे बनाने के। ओके, अब इसमें डालेंगे हम लोग चिली पेस्ट, जो कि हमारा कश्मीरी चिली और सलमान चिली, जिसको बोलते हैं सलमान चिली और कश्मीरी चिली, अच्छे से बॉयल करके उसको पेस्ट करके हम लोग रखा है। अगर आपको नहीं मालूम रहेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा वो चिली पेस्ट होता है। ओके, अच्छा ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं चिली, ठीक है। ये एकदम देख रहे हो कितना रेड है, रेड रेड। ये रेड क्यों हुआ, क्योंकि पहले हमारा जो कश्मीरी चिली है उसको अच्छे से हम लोग बॉयल किए हैं। बॉयल करने के बाद में उसको हम लोग ग्रेडर में या मिक्सर में आप पीस सकते हो, उसके बाद में ऐसा आपका पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। और पीसने के बाद आप तेल डाल के उसको अच्छे से आपको गैस के भट्टी में, फास्ट गैस पे उसको अच्छे से रोस्ट करना भी रहते हैं, ठीक है। तो आपको चिली पेस्ट अगर रोस्ट भी नहीं करोगे ना फिर भी चलेगा, लेकिन जब सेजवान बनाओगे ना कम से कम उसको आप 15 से 20 मिनट तक अच्छे से सेजवान को रोस्ट कर लेना। अगर नहीं करोगे तो चिली को पहले पका लेना, अगर चिली नहीं पकाओगे तो सेजवान को अच्छे से पकाना है, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमारा चिली रोस्ट किया हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटो सॉस, उसके बाद में चिली सॉस, उसके बाद में हमारा जो भी हमारा चाइनीज मसाला है, चाइनीज मसाला डालेंगे। चाइनीज मसाला मतलब क्या, एरोमेटिक पाउडर, वाइट पेपर, उसके बाद में सॉल्ट, अगर चाहो तो आप उसमें यूज़ भी कर सकते हो ब्लैक पेपर, वो आपको मंदा नहीं है, ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग डालेंगे चिली सॉस। तो ये हमारा चिली सॉस है, ये देखो ये हमारा चिली सॉस है, इसको पूरा हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा चिली सॉस इसमें ऐड आ गया, वाओ। अब इससे देखो खुशबू आना स्टार्ट हो गया सेजवान सॉस का। अब डालेंगे हम लोग इसमें क्या, टमाटो सॉस, ये हमारा टमाटो सॉस है, ठीक है। ये टमाटो सॉस का हम लोग यूज किया, ओके। चलो तो हमारा टमाटो को जब भी हो गया, अब इसमें हम लोग यूज करेंगे क्या, हमारा ये सॉल्ट है जिसको बोलते हैं नमक, और जो सब लोग बोलते हैं स्वाद अनुसार, मैं भी वही बोलूंगा स्वाद अनुसार, ठीक है। आपको जितना नमक लगे उतना आप डाल सकते हो। उसके बाद में हम लोग डालेंगे एरोमेटिक पाउडर, ठीक है, ये हमारा एरोमेटिक पाउडर है। उसके बाद में वाइट पेपर है, उसके बाद में अगर चाहो तो आप इसमें शुगर, जो हमारा चीनी है ये भी अच्छा रोल निभाता है, तो चीनी का भी थोड़ा सा इसमें यूज करना आपके लिए अच्छा है, तो हम चिली के इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसको अच्छे से हम लोग 10 से 15 मिनट, अगर आपने चिली रोस्ट नहीं किया है, जो हमारा कश्मीरी चिली का पेस्ट था, अगर आपने इसको रोस्ट नहीं किया है तो कम से कम आपको 20 से 25 मिनट, अगर आपने रोस्ट नहीं किया है तो 5 से 10 मिनट आपका सेजवान रेडी हो जाएगा। और इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ, ये हमारा गैस चालू हुआ, अब इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ, कम से कम 2 से 5 मिनट में आपका सेजवान रेडी हो जाएगा। चाहो तो घर में ट्राई करो, और नहीं तो फिर मेरा ही वीडियो देखते रहो और होटल में आकर खाते रहो। पर मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप घर में बनाओ और घर में अपने पूरे फैमिली को खिलाओ। और ये जो हमारा सेजवान है सबसे बेस्ट है, ना इसमें हम लोग कलर यूज करते हैं, ना ही तो हम अजीनोमोटो यूज करते हैं। आपने मेरा चिली का कलर देखा था ना, चिली का कलर, ये मैं आपको उसी कलर से आपको सेजवान का कलर आ जाएगा। इसमें ना एक भी कलर है ना कुछ है, आप एक बार ट्राई करो। मैं हर टाइम पे बोलता हूँ कि आप लोग एक बार घर में ट्राई करो। और आपको क्या लगता है, सेजवान बनाना आसान है कि नहीं है? आपको लगता है कि आप सीख गए रहोगे, तो सेजवान एक बार ट्राई करो घर में। और ये सेजवान जो है इसमें थोड़ा सा भी पानी टच मत करना, आपका सेजवान 15 से 20 दिन तक आराम से चलेगा। एक इसमें चम्मच डाल देने का और उसी चम्मच से निकाल लेगा, और फिर वो बस चम्मच इसी सेजवान चौक में डाल रखने का, ये सेजवान आपका खराब नहीं होगा। हाँ, अगर वही चम्मच बार बार आप धो के फिर उसमें डालोगे पानी के साथ, तब सेजवान सॉस आपका 4 से 5 दिन में खराब हो जाएगा। तो आप लोग एक बार ध्यान देना इस बात में। और ये जो हमारा सेजवान सॉस है ये रेडी हो चुका है, चाहो तो आप लोग घर में एक बार ट्राई करो। अगर नहीं ट्राई करने का है तो फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा, और आप मेरे को तो काम ही मेरा वीडियो बनाने का, मैं आपको वापस दिखाऊंगा कैसे सेजवान सॉस बनता है। अगर एक बार समझ में नहीं आया, दो बार समझ में नहीं आया, एक होता ना एग्जाम्पल देता हूँ, एक कहावत दोस्त है ना, वो 10वीं क्लास का एग्जाम दे रहा था, वो दो बार मतलब फेल हो गया था, तीसरा बार फिर से कोशिश किया था, तीसरे बार मैं आराम से पास हो गया था, मतलब सेकेंड लेके आया, फिर उसने कोशिश किया ना। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में नहीं आ रहा ना, वापस से रिपीट देखो वीडियो, और फिर से सीखो क्या क्या चीज़ इसमें डाला नहीं डाला। मैं एक बार फिर से आप लोगों को, ये मेरा सेजवान सॉस रेडी हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पर मैं एक बात बता देता हूँ आपको, देखो।
उसमें क्या क्या मैंने यूज़ किया, पहले नंबर अपने को क्या करने का है, पहले नंबर आपको डालना है उसमें गार्लिक जिसको बोलते हैं लहसुन, और एकदम पूरा बारीक कटा हुआ चाहिए जिसको बोलते हैं मोटर भाषा में चॉप। उसके बाद में डालना है जिंजर जो कि वो भी चॉप होना चाहिए। उसके बाद में डालना है क्या आपको चिल्ली जो कि वो भी रेड या चॉप होना चाहिए। उसके बाद में क्या सेलरी जो कि वो भी चॉप होना चाहिए। और उसके बाद में डालना है जो हमारा कश्मीरी चिल्ली का पेस्ट है, उसमें अगर चाहो तो कश्मीरी चिल्ली के अलावा अगर कुछ डालना चाहते हो तो उसमें सलमान चिल्ली ऐड कर दो, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं, उससे भी आप पेस्ट के तौर पे यूज कर सकते हो। उसके बाद में आपको डालना है चिल्ली सॉस, टमाटो सॉस, एरोमेटिक पाउडर, सॉल्ट, और उसके बाद में व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर डालो तो डाल दो। उसके बाद में डालना है शुगर। उसके बाद में आपका सेजवान रेडी हो गया बराबर। आप लोग ट्राई करो और आपको दिखा दो, मैं दिखाता हूँ सेजवान सॉस कैसा है। ओके सेजवान सॉस मेरा रेडी हो गया कि नहीं हो गया ना, तो आप लोग ट्राई करो। और हाँ, आप लोग सोचोगे इसमें इतना तेल क्यों है, अगर तेल नहीं रहेगा ना तो आपका सेजवान सॉस ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, तो थोड़ा सा तेल रहना इसमें ज़रूरी है। ये तेल का आपको खाने की जरूरत नहीं है, तेल को भी ना साइड में निकाल के वापस से सेजवान सॉस में इसको ऐड कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप चिली सॉस रोस्ट कर रहे हो उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हो, ये कोई फेंकने वाला तेल नहीं है, ठीक है ना। तो आ जाओ आप इसको बॉल में पलटी मार के दिखाता हूँ कि ये मेरा सेजवान सॉस रेडी हो चुका है, ठीक है। चलो तो ये हमारा सेजवान एकदम एक्चुअली रेडी हो गया, एकदम पूरा लजीज। देखो ये एकदम पूरा सेजवान, आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके बताओ, क्योंकि ये जो मेरा सेजवान है फेवरेट सेजवान है, और जो लोग भी सेजवान खाते रहेंगे उनको बहुत पसंद करेंगे। तो ये मेरा सेजवान रेडी हो गया, मैंने एक और भी वीडियो बनाया था उसमें पता नहीं आप लोग कैसा वीडियो देखने को अच्छे से मिला रहेगा कि नहीं मिला रहेगा। तो इसको ट्राई करो और उसको भी देखो कि दोनों में डिफरेंट क्या है। मेरे को लगता है डिफरेंट कुछ नहीं रहेगा, बस समझाने का तरीका अलग रहेगा, ठीक है। तो ये देखो तेल रहना ज़रूरी है, अगर सेजवान में अगर तेल नहीं रहेगा तो आपका सेजवान फिर थोड़ा ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। ये हमारा सेजवान एकदम पूरा ऑलरेडी रेडी हो चुका है, और ये सेजवान को एक बार ट्राई करो, उसके बाद में आपको मज़ा नहीं आया मेरे को कमेंट्स करने का कि सेजवान में मज़ा नहीं आया। मेरे हिसाब से तो सेजवान जिस तरीके से मैं बनाया ना वो कोई नहीं बना पाएगा, ओके। लेकिन हाँ, एक बार आप लोगों को ना ज़रूर बताना पड़ेगा कि मेरा सेजवान एक्चुअली कैसा है नहीं है, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार सेजवान सॉस बनाने में। कम से कम मेरे को आधा से पौना घंटा जाता है एक सेजवान बनाने में। तो आप लोग कमेंट्स करके बताओ कि सेजवान एक्चुअली कैसा है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखना, ओके।